Hello friends, this day is 64th. My topic is going to be on foreign exchange theories, current and capital account convertibility approximately. Last topic hai ye jo hai jo international business se connected hai directly. तो मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ. सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ का इन्फॉर्म कर दूँ कि अप्रोक्सीमेटली वन क्वेश्चन जो है वो ये तीन एक्चुअली क्लब्ड ये जो तीन चीज़ें हैं इन्हें हम इन समेशन हमें इन चीज़ों को पढ़ना होता है. कौन सी चीज़ें? पहला फॉरेन एक्सचेंज, फिर डेरिवेटिव मार्केट और उसके बाद करंट एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी. रोटेशनली इनमें से क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं. इनमें से आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक क्वेश्चन की है. पूरे 100 में से एक ही क्वेश्चन है जो इन तीनों में से आ सकता है. सम टाइम दे आस्क अबाउट डेरिवेटिव, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड स्वैप्स के बारे में पूछ लेते हैं. सम टाइम दे आस्क अबाउट फॉरेन एक्सचेंज थ्योरीज एंड सम टाइम दे आस्क अबाउट करंट एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी. तो ये चीज़ें जो है इनके बारे में यूजुअली पूछा जाता है. तो मैं आपको ये चीज़, हमने जो डेरिवेटिव मार्केट है वो तो हमने उस चीज़ को स्टडी कर लिया कि उसके फोर जो है बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दैट दी रिस्क का जो मैनेजमेंट है वो होता है, जिसे हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर ऑप्शन एंड स्वैप्स का नाम दे देते हैं. तो ये चीज़ जो जो रिमेनिंग है उस चीज़ को मैं परस्यू करने जा रहा हूँ अब. तो ये चीज़ है फॉरेन एक्सचेंज थ्योरीज़. हमने अब तक की स्टडी में ये तो पढ़ लिया है कि आपस में जो कंट्रीज़ हैं वो डील करती हैं. जब दो कंट्रीज़ आपस में डील करती हैं, एक दूसरे को किसी चीज़ के लिए प्रेफरेंस देती है एज़ फार एज़ दी रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड टैक्सेशन इज़ कंसर्न, तो फिर धीरे धीरे ना जो इंटरनेशनल एरिना होता है वहाँ पे रीजनल इंटीग्रेशन बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. जैसे सार्क, एशियान हो गया, ये चीज़ें हो गई. तो जब आपस में ट्रेड होता है, आपको पता है कि मैं छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ. इंडिया ने अमेरिका के साथ ट्रेड करना है, तो आप ये अंडरस्टूड सी बात है कि वहाँ पे हमारी जो करेंसी है रुपी वो नहीं चलेगा, और यहाँ पे जो है वो डॉलर्स हैं वो नहीं चल सकते. ये ऑब्वियस सी बात है. तो क्या होता है, तो फिर इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता है? इंटरनेशनल ट्रेड का ये मतलब होता है कि जब जब हमने एक्सपोर्ट करनी है ना बाहर, देखो जब हमने एक्सपोर्ट करनी है तब तब क्या होगा, वो लोग हमसे ख़रीदेंगे, तो वो जो पेमेंट देंगे, तो उन लोगों ने जो पेमेंट देनी है तो वो डॉलर में नहीं दे सकते, तो उनको रुपी में देनी होगी पेमेंट. उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पर डॉलर तो चलने वाला है नहीं. तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, वो जितने की चीज़ है उतने डॉलर दे के जो इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वहाँ से उतने रुपीज़ जो हैं वो ख़रीदेंगे. मतलब कि हमारी करेंसी को परचेज़ किया जाएगा. एक करेंसी की भी मार्केट होती है इंटरनेशनली. मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ इसकी. सपोज़ हमने बाहर से इम्पोर्ट करनी है, इम्पोर्ट करनी है तो आपको पता है कि हमें पेमेंट देनी होगी. हमने अमेरिका से इम्पोर्ट करनी है तो जब हमने अमेरिका को पेमेंट देनी है, वहाँ पे तो हमारा रुपये नहीं चलता, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो फॉरेक्स मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है, वहाँ से हमें पैसे देकर, रुपीज़ देकर हमें डॉलर्स परचेज करने होंगे. तो परचेज करने के बाद वी विल बी एलिजिबल फॉर मेकिंग दी इम्पोर्ट्स एंड परचेजेस. तो ये चीज़ होती है. तो इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो मैंने आपको बताया इस एग्जाम्पल से. एक तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है, वो कौन सी मार्केट, जहाँ पे करेंसीज एक्सचेंज होती हैं आपस में. और ये किस कंटेक्स्ट में आता है, ये फॉरेन एक्सचेंज के कंटेक्स्ट में आता है, क्योंकि आपको पता है इन देर आर यूनाइटेड, जो यूनाइटेड नेशंस हैं उसमें 196 कंट्रीज टोटली आती हैं. तो कुछ एक जो यूनियंस बनी हुई हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन होगी, उनकी करेंसी सेम हो सकती है. अप्रोक्सीमेटली हर कंट्री की करेंसी में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं. तो इसीलिए जब हमने उनके साथ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का कोई रिलेशनशिप रखना होता है, तो अल्टीमेटली वी हैव टू परचेज देयर करेंसी इन ऑर्डर टू इंडल्ज आवरसेल्फ इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉरेन एक्सचेंज का रेट कैसे एस्टिमेट किया जाता है. टॉपिक ध्यान से सुन लो इस चीज़ को.
अब आपको पता लग गया कि पहले जब अगर मैंने इंपोर्ट करनी है तो मुझे उतने रुपए के पहले डॉलर्स जो हैं वो परचेज करने होंगे। तो 1 रुपए का कितना डॉलर आएगा, ये कैसे एस्टिमेट किया जाता है? इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज बनी हुई हैं। थोड़ा सा फिर इसका पर्सपेक्टिव मैं आपको बता दूं, फिर ध्यान से सुनना इस चीज़ को। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 1 डॉलर अपने रुपए के अगेंस्ट कहाँ पे स्टैंड करता है, ये कैसे फाइंड किया जाता है। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज बनी हुई हैं। सबसे पहले ना सब मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे पहले सिस्टम चलता था इसकी, जो फर्स्ट थ्योरी, अब मैं थ्योरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ। अप्रोक्सीमेटली 4 या 5 थ्योरीज जो हैं वो बनी हुई हैं, जिनके बारे में मैंने लिखा हुआ है, स्पेसिफाई किया हुआ है। तो ये आपको 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 डिटेल्ड में इनको जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो इनमें से आना है, और आना भी कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक फिगर दी हुई होगी या एक आपको लाइंस दी होंगी, 1 या 2, तो आपको फाइंड करना होगा। समटाइम ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये कौन सी थ्योरी से रिलेट करता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली जो थ्योरी हुई हुई थी ना, जहाँ पे ये एस्टिमेट किया गया था कि एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी के अगेंस्ट कहाँ पे स्टैंड करती है, उसकी सबसे फर्स्ट थ्योरी से मिंट पैरिटी थ्योरी का नाम देते हैं, जिसे हम गोल्ड स्टैंडर्ड भी कहते हैं। ये 1870 से लेकर 1914 तक चली ये थ्योरी। तो अप्रोक्सीमेटली ये इसका टाइम पीरियड रहा, इसकी वेरिएशन भी पॉसिबल है। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन किया जा सकता किया जाता था दो कंट्रीज़ के बीच, ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज ऑफ गोल्ड। कुछ एक कंट्रीज़ जो होती हैं वहाँ पे ना, तो इस थ्योरी की कुछ एक एग्जम्पशन है कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ है वो गोल्ड को प्रेफर करती हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का जो सेंट्रल बैंक होते हैं, जैसे हमारा आरबीआई, तो वो हमेशा विलिंग होते हैं गोल्ड की परचेजिंग के लिए, और गोल्ड को ही सबसे सुपीरियर जो चीज़ है वो माना जाता था तब तब के टाइम पे। तब क्या होता था कि जैसे ना, मतलब उसका ना एक यूनिट एस्टिमेट कर लिया जाता था एक गोल्ड का। जैसे 1 आउंस, आउंस क्या होता है, आउंस 1 आउंस का मतलब होता है 16th पार्ट ऑफ अ डॉलर। तो 1 आउंस जो है उस यूनिट को ले लिया जाता था, और ये देखा जाता है था कि 1 आउंस एक कंट्री में कितने का बिक रहा है और दूसरी कंट्री में वो कितने का बिक रहा है। तो आउंस आउंस तो सेम है। तो एग्जांपल मैंने दी हुई है, एक सपोज कि 1 आउंस ऑफ अ गोल्ड कैन बी परचेज्ड इन यूनाइटेड किंगडम फॉर 10 यूरोज, एंड 1 आउंस ऑफ गोल्ड कैन बी परचेज्ड इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फॉर 50 डॉलर्स। तो आउंस ही है, 1 आउंस वहाँ पे भी है, 1 आउंस वहाँ पे भी है। तो एक्सचेंज रेट दोनों कंट्रीज़ में कितना हो गया है, 10 यूरो ऑफ यूनाइटेड किंगडम बिकम्स इक्वल टू 50 डॉलर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो इस तरीके से हम एक्सचेंज रेट एस्टिमेट कर लेते थे, और ये पहली थ्योरी थी, सबसे फर्स्ट थ्योरी, मिंट पैरिटी थ्योरी। तो इसके बड़े सारे ड्रॉबैक्स थे, बड़े सारे फ्लॉज थे। वो ये फ्लॉज थे कि कुछ एक कंट्रीज़ डॉलर को, हो सकता है कुछ एक कंट्रीज़ जो हैं वो गोल्ड को इतनी इंपॉर्टेंस ना देती हों, कुछ एक सेंट्रल बैंक ना चाहते हों। तो ये इनडिटर्मिनेट सी थ्योरी थी, आज की डेट में ये वैलिड नहीं है और ये बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। फिर भी ये फर्स्ट थ्योरी थी एक्सचेंज रेट को एस्टिमेट करने के लिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ सेकेंड थ्योरी, ये बहुत ज़्यादा वैलिड है, लॉ ऑफ वन प्राइस भी इसमें आ जाता है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी क्या है, ये गस्टावन कैसल की दी हुई मानी जाती है बेसिकली। वैसे तो इसके प्रपाउंडर्स काफ़ी हुए हैं, जैसे वेटले हो गए, रिकॉर्डो हो गए, बट जो स्पेसिफिक नेम इस थ्योरी के साथ जोड़ा जाता है उसे हम गस्टावन कैसल का नाम दे देते हैं। ये पर्सन हुए थे, इन्होंने 2 वर्जन्स दिए हैं थ्योरी के, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, एंड इसका एक वर्जन रिलेटिव वर्जन है और सेकेंड जो है एब्सोल्यूट वर्जन है। पहले एब्सोल्यूट वर्जन को हम अंडरस्टैंड करते हैं। एब्सोल्यूट वर्जन उन्होंने समझाया था एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन किया जाता है दो कंट्रीज़ की करेंसीज के बीच। तो ही सजेस्टेड के अपना दो कुछ एक कॉमोडिटीज़ देख लो जो दोनों कंट्रीज़ में सेम हो, जैसे 5 किलोग्राम शुगर हो गई, या फिर कोई ऑयल हो गया, तो या फिर कुछ वेजिटेबल्स हो गए। तो देख लो कि एक कंट्री में वो कितने के सेल हो रहे हैं और दूसरी कंट्री में वो सेम कॉमोडिटीज सेम यूनिट्स में कितने की सेल हो रही है। तो एक एग्जांपल मैंने ली हुई है, सपोज़ कि 3 कॉमोडिटीज़ हैं, कॉमोडिटी एक्स, कॉमोडिटी वाई, कॉमोडिटी जेड। तो कॉमोडिटी एक्स के 10 यूनिट्स, वाई के 12 यूनिट्स एंड 15 यूनिट्स जेड के।
यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में सेल हो रहे हैं $25 के, और ये तीनों ही यूनिट्स, तीनों ही कॉमोडिटी के इंडिया में सेल हो रहे हैं 1500 के। तो यूनिट्स तो सेम ही है और चीज़ें भी सेम ही है, इसलिए $25 बिकम्स इक्वल टू 1500 रुपी ऑफ इंडिया। तो $1 कितने का हो गया, 60 रुपीज़ का। तो ये उनका सिस्टम था, उन्होंने ये थ्योरी दी थी जिसे हम परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी कहते हैं। इसमें इसमें वर्ड है पैरिटी, पैरिटी का मतलब होता है समानता, समानता मीन्स इक्वेलिटी, इक्वेलिटी मीन्स कि जो चीज़ें यहाँ पे हैं उनकी वही वैल्यू सेम वहाँ पे हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट परचेजिंग पावर पैरिटी द एक्सचेंज रेट कैन बी डिटरमिन्ड। और जो नेक्स्ट इनका वर्जन था परचेजिंग पावर पैरिटी का, उसे हम कहते हैं रिलेटिव वर्जन। रिलेटिव वर्जन कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, वो आपको कहते हैं कि आपको पता है कि एस्टिमेट वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, जो उन प्राइजेज एक कंट्री में कैसे हैं और दूसरी कंट्री में कैसे हैं, बस उन्होंने एक थोड़ी सी वेरिएशन कर दी। उन्होंने कहा कि हर एक साल आपको पता है कि इन्फ्लेशन जो है वो जो है वो इंक्रीज होती रहती है, तो इन्फ्लेशन का फैक्टर भी इंक्लूड कर लेना चाहिए एक्सचेंज रेट के डिटर्मिनेशन में। अगर आप इन्फ्लेशन का फैक्टर भी इंक्लूड कर लेते हो तो ज़्यादा यूज़फुल है एक्सचेंज रेट को डिटर्मिन करना। ये उनका रिलेटिव वर्जन था उनकी थ्योरी का। इसका फार्मूला मैंने स्पेसिफाई किया, इसका कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिकल नहीं, सिर्फ समझाने के लिए मैंने बोला है आपको। बस ये चीज़ समझ लो कि जब एब्सोल्यूट वर्जन में आप इन्फ्लेशन का जो टॉपिक है या इन्फ्लेशन का पार्ट है वो इंक्लूड कर लेते हो तो उसे रिलेटिव वर्जन कहा जाता है। और थर्ड थ्योरी, उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी क्या है, ये थ्योरी आपको ये चीज़ सजेस्ट करती है कि ये थ्योरी जो है आज की डेट में भी काफ़ी वैलिडिटी है इस चीज़ की। तो थर्ड थ्योरी है ये, बट इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मीन्स कि सारी कंट्रीज जो हैं इस चीज़ को प्रेफर नहीं करती, बट स्टिल बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस ऑफ द मॉडर्न थ्योरी विच इज़ अडॉप्टेड नाउअडेज़ बाई ईच एंड एवरी कंट्री अप्रोक्सीमेटली। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी क्या कहती है, कहती है ये एक्सचेंज रेट जो होता है ना दो कंट्रीज़ के बीच, करेंसीज़ के बीच, वो कैसे एस्टिमेट किया जाता है, ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। उन्होंने ये कह दिया कि परफेक्ट, जो हमने आपको पता है इकोनॉमिक्स से, हमने हमने परफेक्ट कंपटीशन को स्टडी किया हुआ है, उसमें जो फर्म थी वो प्राइस टेकर थी और इंडस्ट्री प्राइस मेकर थी। तो प्राइस कौन सा था जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल थी, तो डिमांड एंड सप्लाई उस कॉन्सेप्ट में हमने कौन सी ली चीज़ों की। तो इसमें ये चीज़ सजेस्ट की गई है, किसी स्पेसिफिक ऑथर का नाम नहीं जोड़ा जाता बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी के साथ। तो ये चीज़, ये थ्योरी आपको ये समझाती है कि जितनी किसी चीज़ की जितनी किसी करेंसी की डिमांड होगी उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ही डिपेंड करता है कि एक्सचेंज रेट कितना होगा। तो सम टाइम, तो ये चीज़, तो ये थ्योरी आपको ये सजेस्ट करती है कि कभी भी किसी भी कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा वो सरप्लस या डेफिसिट की कंडीशन में नहीं होता, तो हमेशा वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होता है। और इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन जो होता है उसकी कंडीशन कहाँ पे होती है, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जो है वो आपस में कट कर रही होती हैं। तो ऐसे एक्सचेंज रेट जो है वो डिटरमिन जो है होता रहता है। तो इस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट की थ्योरी आपको ये समझाती है कि दो कंट्रीज़ का जो एक्सचेंज रेट है उसको डिटरमिन करने के लिए हमें उनके डिमांड एंड सप्लाई को स्टडी करना चाहिए। उनके डिमांड एंड सप्लाई को स्टडी करके ही हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि किस तरीके से एक्सचेंज रेट को एस्टिमेट किया जाए। तो जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई फॉर जैसे डॉलर, डॉलर को अगर हम बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से, हमको उनको हमने उनको पेमेंट देनी होगी, तो हमने जब उनको पेमेंट देनी है तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से डॉलर परचेज करने होंगे। तो जब हम परचेज करने के लिए जाएंगे कितने सारे डॉलर परचेज करने पड़े, तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, जब उनकी डिमांड बढ़ेगी तो उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से एक्सचेंज रेट एस्टिमेट होता है। उसके बाद जो फोर्थ थ्योरी है, उसे हम मॉनेटरी अप्रोच का नाम दे देते हैं, मॉनेटरी अप्रोच। ये अप्रोच क्या है, तो ये अप्रोच आपको ये कहती है कि है तो बेसिकली ये बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी को ही उसको फर्दर एलेबोरेट करती है। बस ये चीज़ ये कहती है कि सम टाइम जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी है,
तो ये चीज़ आपको ये स्पेसिफाई करती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, जो थ्योरी है, उसमें हमने डिमांड एंड सप्लाई पे जोर दिया। इन्होंने ये कहा कि डिमांड एंड सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं होता एक्सचेंज के रेट के लिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है किसी कंट्री की, उस कंट्री कंट्री में जो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है एक्सचेंज रेट के डिटर्मिनेशन में, क्योंकि मनी की सप्लाई जो है वो डिपेंड करता है किसी कंट्री की सेंट्रल बैंक के ऊपर। तो जब सेंट्रल बैंक सप्लाई ही नहीं देगी पीछे से, तो अल्टीमेटली जो करेंसी की वैल्यू वो इंक्रीज होनी होती है। तो इसीलिए मॉनेटरी अप्रोच ये आपको सजेस्ट करती है कि एक्सचेंज रेट इज़ द सम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी एंड मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री। तो ये दो चीज़ों का प्लस है। तो फिफ्थ थ्योरी, उसे हम द पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच का नाम दे देते हैं। एंड पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच आपको ये कहती है, बस ये ऊपर वाली दो चीज़ों का प्लस प्लस एक और चीज़ है। तो ऊपर वाली दो चीज़ें कौन सी? ये कहती है आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो भी ध्यान में लेना चाहिए, सेकंड नंबर पे जो मॉनेटरी पॉलिसी है किसी कंट्री की और गवर्नमेंट इंटरवेंशन है वो भी जो है वो लेना चाहिए, और थर्डली तो ये कहते हैं कि जो जो फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं ना, वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, मतलब कि वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ये थ्योरी आपको ये कहती है कि सिर्फ मनी के बेसिस पे ही नहीं जो एक्सचेंज रेट है उसे एस्टिमेट किया जा सकता, बहुत सारी और भी एसेट्स होती हैं फाइनेंशियल एसेट, जैसे इक्विटी हो गया, डिबेंचर हो गया, बॉन्ड्स हो गए, जो बाहरी कंट्री की कंपनीज इशू कर रही होती हैं फॉर द सेक ऑफ एनहांसमेंट ऑफ देयर फंड्स। तो ये थ्योरी आपको ये सजेस्ट करती है कि जो एक्सचेंज रेट होता है वो तीन चीज़ों का सम होता है, एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, दूसरे नंबर पे आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, और थर्ड जो दूसरी कंट्री जहाँ पे आप डिमांड कर रहे हो उसकी जो फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स हैं, तो वो चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं, इन चीज़ों पे बहुत डिपेंड करता है एक्सचेंज रेट की एस्टिमेशन का होना। तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट जो है उसके बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है कि ये क्या होती है, ये मार्केट क्या है। सबसे लिक्विड मार्केट वर्ल्ड की यही है इस टाइम पे, उसके बाद ये बड़ी डायनामिक है, बड़ी चेंज होती रहती है। तो 24 आवर मार्केट है, इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी है, इंटरनेशनल नेटवर्क से बनी हुई है ये डीलर्स के, तो मोस्टली डॉलर्स में ट्रेड होता है इनका। तो ओवर द काउंटर मार्केट भी है और एक्सचेंज ट्रेडेड सेगमेंट भी है इसका। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट की चार टेक्निक्स हैं जो हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखी हैं, जैसे जिसे हम डेरिवेटिव्स मार्केट का नाम दे देते हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन एंड स्वैप्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी ऑडियो में आता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, करंट एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ये चीज़ें हैं क्या? कुछ लोग तो ये सोच लेते हैं कि शायद हमने जो बैंक में अकाउंट ओपन करवाया होता है उसे हम करंट या कैपिटल अकाउंट का नाम दे देते हैं, और कैपिटल अकाउंट जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की टर्म है, ये बिल्कुल ही गलत है। तो आपको मैं समझा देता हूँ इसका कॉन्सेप्ट, जो बहुत कम चांसेस है इसमें से, वैसे एक दो बार पूछा गया है काफ़ी सारे एग्जाम्स पहले, तो ये चीज़ें हैं कि आप समझ लो। आपको ये करंट या कैपिटल अकाउंट वो नहीं है जो आप जो चीज़ें सोच रहे हो कि हमने बैंक में अकाउंट ओपन करवा दिया, जहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी हो गई है। तो ये क्या है? आपको मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया इंटरनेशनल बिजनेस में ऑलरेडी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के मैंने आपको दो पार्ट्स बताए, एक करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ये उससे डील करता है। तो ये चीज़ क्या है? जब 1992 में इंडियन गवर्नमेंट ने IMF एंड वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया था ना, उस टाइम पे जो उन्होंने सजेशन दी थी कि आप ना जो है इंडिया में पहले इंडिया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का यूज़ करता था, मींस हमने फिक्स्ड कर रखी थी अपनी करेंसी जो है वो बाहरी कंट्री के डीलिंग के बिहाफ पे। तो उसके बाद 1992 में हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है वो अडॉप्ट कर लिया। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वही जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो थ्योरी है,
तो जो मैंने अभी आपको पढ़ाई की डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, अब आप देख लो रोज की फ्लक्चुएशन होती है, डॉलर कभी कभी कम होता रहता है, कभी कभी इंक्रीज होता रहता है, जैसे पेट्रोल वगैरह होते हैं तो प्राइसेस जो होते हैं ये डिमांड एंड सप, कुछ कॉमोडिटीज़ ऐसी हैं जिनके प्राइसेस डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे चलते हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी आपको डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ही स्टडी करवाती है। तो इंडिया ने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो अब कन्वर्टिबिलिटी क्या है? कन्वर्टिबिलिटी जो है ना वो IMF का दिया हुआ क्लॉज है, IMF का जो आर्टिकल 8th है उसके सेक्शन 2, 3, 4th में ये लिखा हुआ है कि कोई भी कंट्री जो है अगर हमारा मेंबर बन जाती है तो वो जो करंट अकाउंट की कोई ट्रांजैक्शन है तो उसकी जो मनी है उसमें उसको फुल्ली कन्वर्टिबल जो है फॉर्म में यूज़ करेगी। आई मीन टू से कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है वो यूज़ करेगी एज़ फार एज़ दी ट्रांजेक्शन ऑफ करंट अकाउंट आर कंसर्न। करंट अकाउंट हमने पढ़ा ही हुआ है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो हम सर्विसेज देते हैं या हम गुड्स बेचते हैं, इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, ये चीज़ें करंट अकाउंट में आती हैं। उन्होंने ये सजेस्ट किया कि हम कोई भी अगर जो है वो इस ऐसे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो जो ये जो आइटम्स हैं करंट अकाउंट की बैलेंस ऑफ पेमेंट के, वो उनमें जो ट्रांजैक्शन में जो अमाउंट्स इन्वॉल्व हैं वो फुली कन्वर्टिबल होनी चाहिए। कन्वर्टिबल इन द सेंस कि आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से वो उनकी करेंसी परचेज करके बाद में ही उनको पेमेंट करनी चाहिए या उनसे रिसीव करनी चाहिए। तो आपको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो यूज़ करना चाहिए, आप फिक्स्ड एक्सचेंज रेट यूज़ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ उनकी, तो फिर इंडिया ने उस चीज़ को मान लिया। तो उसके बाद उन्होंने एक क्लॉज दे दिया, या एक कह लो कुछ एक रिलैक्सेशन दे दी कंट्रीज़ को कि आप जो कैपिटल अकाउंट है ना उसकी कन्वर्टिबिलिटी कुछ एक हद तक उन्होंने लिमिट रख दी कि वो रेगुलेट होगी IMF के द्वारा, और उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उसकी कन्वर्टिबिलिटी को अडॉप्ट करना चाहते हो। तो एक टाइम टू टाइम थोड़ी सी रेगुलेशंस आती रहीं, जैसे 1992 में एक लर्म्स एक टर्म है जिसे हम लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, जो गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिया। फिर 1993 में फॉरेन एक्सचेंज बजट एबॉलिश कर दिया, एक्सचेंज रेट यूनिफाइड कर दिया। उसके बाद 1994 में RBI ने लिबरलाइज्ड कर दिया बड़ी सारी रेगुलेशंस को एज़ फार एज़ दी फॉरेन एक्सचेंज इज़ कंसर्न। तो अब की डेट में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है उसके लिए एक तारापुरी कमेटी जो है वो बिठाएगी। 1997 में इसने कुछ एक रिकमेंडेशंस दी, और अब इंडिया में बहुत हद तक 90% से ऊपर हद तक जो भी ट्रांजेक्शन्स हम करते हैं आइदर दिस इज़ डिपिक्टेड इन करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, वी यूज़ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो हमें फुल एक्सचेंज जो फुल कन्वर्टिबिलिटी है करेंसी की हम वो यूज़ करते हैं। तो उन्होंने भी ये सजेस्ट किया अगर आप ऐसा करोगे तो आप बेनिफिशियल रहोगे। तो इसकी कुछ एक जो है वो रिकमेंडेशंस भी कह सकते हो आप जो इस कमेटी की थी, तो उन चीज़ों को मैंने इंक्लूड किया हुआ है आज की जो PDF में उसमें। तो यू ऑल हैव टू गो थ्रू फ्रॉम दैट जस्ट वंस। ये कभी पूछी तो नहीं गई इसीलिए मैं इनकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट स्टिल हमें इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, समझा मैंने आपको सारा दिया है कि करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है और इसका क्या पर्पस है गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करने का। तो ये चीज़ें यू ऑल हैव टू गो थ्रू, एंड विद दिस आवर ऑल टॉपिक्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल बिजनेस आर ओवर। थैंक यू।